एवरीवन, दिस इज़ कल्पेश कापड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस। वेलकम इन द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बी, हैविंग ए सब्जेक्ट कोड इज 3150610। इन दिस वीडियो सीरीज students should know about concrete technology. So let's start. In last lecture we have discussed about aggregate impact value test. In this lecture we have discussed about aggregate abrasion value test. So let's start with the introduction. Los Angeles abrasion test on aggregate is the measure of aggregate toughness and abrasion resistance such as crushing, degradation and disintegration. So a Los Angeles abrasion test है, उसका use करके हम एग्रीगेट की टफनेस और उसकी एब्रिशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है, जो उसका क्रशिंग और डिग्रेडेशन या कोई डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एग्रीगेट का, तो उसके सामने उसका रेजिस्टेंस कैसा है, उसकी टफनेस कैसी है, उसका एब्रिशन कैसा है, तो वो हम चेक करेंगे। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट बाय ASTO T96 और ASTM C131। ये ASTO का फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, और ये जो ASTM का फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। सो सबसे पहले ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल ने इंट्रोड्यूस किया था एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट को। सो रेजिस्टेंस टू degradation of small size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine. So ये जो small size के जो coarse aggregate है उसका जो degradation हो रहा है due to abrasion, तो उसके against उसका resistance कैसा है, हम Los Angeles abrasion machine का use करके हम testing करेंगे। So the aggregate used in surface course of the highway pavements आर सब्जेक्टेड टू वियरिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, यानी कि जो अपने ये जो सब हाईवे है उसके ऊपर का जो कोर्स है सरफेस कोर्स, उसमें जो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कि हैवी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक की वजह से उसमें वियरिंग होता है। देन व्हेन व्हीकल मूव ऑन द रोड द सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूमेटिक टायर एंड रोड सरफेस कॉज एब्रेशन ऑफ रोड एग्रीगेट। सो जब व्हीकल रोड पे मूवमेंट करता है तब सोइल का पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, किसके बीच में, तो कि जो व्हीकल्स के टायर और जो रोड का जो सरफेस है उसके बीच में सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो रोड का जो एग्रीगेट्स है उसमें एब्रेशन होता है। सो द स्टील रिम व्हील्स अब एनिमल ड्रिवन व्हीकल ऑल्सो कॉज कंसिडरेबल एब्रेशन ऑफ द रोड सर्फेस। कई बार स्टील रिम व्हील एनिमल कार्ट में यूज होता है, एनिमल कार्ट जो होती है वो स्टील रिम व्हील उसमें रहता है, तो उसकी वजह से जो रोड सर्फेस है उसमें भी एब्रेशन होता है। सो देयरफॉर द रोड एग्रीगेट शुड बी हार्ड इनफ टू रेजिस्ट एब्रेशन। सो हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं रोड सर्फेस में, सो ये सारे जो एग्रीगेट्स है वो एब्रेशन के अगेंस्ट उसका अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो द रेजिस्टेंस टू एब्रेशन ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी बाय लॉस एंजेलस टेस्ट मशीन। सो हमको ये लॉस एंजेलस टेस्टिंग मशीन का यूज़ करके हम एग्रीगेट का जो एब्रेशन हो रहा है उसके सामने उसका रेजिस्टेंस कैसा है वो चेक करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट इज टू प्रोड्यूस abrasive action by use of standard steel ball which when mixed with aggregate and rotated in drum
for specific number of revolution also cause impact on aggregate. So ये लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? तो कि उसमें हम स्टील बॉल का यूज़ करेंगे, स्टील बॉल और एग्रीगेट को मिक्स करके एक ड्रम में उसको रोटेट कराएंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये जो एग्रीगेट है वो एब्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है कि नहीं. सो ये जो ड्रम है उसको हम स्पेसिफिक नंबर में उसको रिवोल्यूट करेंगे और हमको पता चलेगा कि ये एब्रेशन के सामने उसका रेजिस्टेंस कैसा है. एंड ऑल्सो हम उसका इम्पैक्ट भी फाइंड कर सकते हैं ये जो लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन है उसका यूज़ करके. द परसेंटेज वियर ऑफ एग्रीगेट्स ड्यू टू रबिंग विथ स्टील बॉल इज डिटरमाइन एंड ऑल्सो इज नोन एज लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू. सो ये जो एग्रीगेट हम एक ड्रम में एग्रीगेट को स्टील बॉल के साथ जब हम रोटेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी. हम डिटरमाइन करेंगे कि एग्रीगेट है वो कितना वियरिंग हुआ है, उसको बोलते हैं हम लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट डिटरमिनेशन ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू. सो द लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स आर डन ऑन फॉर फॉलोइंग पर्पजेस. फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू एंड सेकंड टू फाइंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले तो हम ये टेस्ट करके हमको क्या मिलेगा, तो कि हमको एक लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा, तो कि ये जो एग्रीगेट्स है उसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपरेटस फॉर लॉस एंजलस टेस्ट. द एपरेटस एज पर आईएस 2386 पार्ट 1963 कंसिस्ट ऑफ लॉस एंजलस मशीन, एब्रेसिव चार्ज यानी कि कास्ट आयन और स्टील बॉल अप्रोक्सीमेटली 48 mm इन डायमीटर एंड ईच वेइंग बिटवीन 392-445 ग्राम 6-12 बॉल आर रिक्वायर्ड. सो एब्रेसिव चार्ज के लिए हम कास्ट आयन और स्टील का बॉल यूज़ करेंगे. सो उसका डायमीटर रहेगा 48 mm और उसका जो वेट है वो रहेगा 390-445 ग्राम के बीच में और हमको 6-12 बॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी. सीव की भी रिक्वायरमेंट रहेगी 1.70, 2.36, 4.75, 6.3, 10, 12.5, 20, 25, 40, 50, 63, 80 mm IS सीव. सो उसका हम एक सेट बनाएंगे और जब टेस्टिंग हमारा हो जाएगा ड्रम में बॉल के साथ, उसके बाद उसमें सीविंग करेंगे. देन बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 5 kg और 10 kg, ड्राइंग ओवन एंड मिसेलेनियस लाइक ट्रे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर ऑफ लॉस एंजलस टेस्ट. द टेस्ट सैंपल कंसिस्ट ऑफ क्लीन एग्रीगेट्स ड्राई इन ओवन एट 105-110°C. द सैंपल शुड कन्फर्म टू एनी ऑफ ग्रेडिंग शोज इन टेबल. सो ये जो हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के लिए, उसको सबसे पहले ऑन ड्राइंग करना है और वो उसको ऑन ड्राइंग का टेम्परेचर हमको 105-110°C तक रखना है. सिलेक्ट द ग्रेडिंग टू बी यूज इन टेस्ट सच दैट इट कन्फर्म टू द ग्रेडिंग टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. ग्रेडिंग को सिलेक्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं. टेक 5 kg ऑफ सैंपल फॉर ग्रेडिंग्स ए बी सी डी एंड 10 kg फॉर ग्रेडिंग ई एफ जी. 5 kg सैंपल लेना है और उसको ग्रेडिंग देनी है ए बी सी डी और 10 kg लेना है उसको देनी है ई एफ जी. चूज द एब्रेसिव चार्ज एज पर टेबल 2 डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. प्लेस द एग्रीगेट एंड एब्रेसिव चार्ज ऑन द सिलेंडर एंड फिक्स द कवर. सो ये टेबल 1 और 2 है. ये टेबल 1 और 2 हम जब लास्ट में जब वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा टेबल 1 और टेबल 2. सो इसको अच्छी तरह से टेबल 1 और 2 को सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इसलिए आपको जो बाद में वीडियो मैंने ऐड किया है वो आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा. सो प्लेस द एग्रीगेट एंड एब्रेसिव चार्ज
ऑन द सिलेंडर एंड फिक्स द कवर। सो सबसे पहले क्या करना है, एग्रीगेट को ड्रम में प्लेस करना है और उसके बाद जो एब्रेसिव चार्ज यानी कि जो स्टील और कास्ट आयरन का बोल है उसको सिलेंडर में रखना है और उसका ऊपर का जो कवर है वो बाद में फिक्स करना है। देन रोटेट द मशीन एट द स्पीड ऑफ 30 to 33 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब वो मशीन है उसका बाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मोटर का यूज़ करके हमको रोटेट करना है और रोटेट देना है, जो रोटेशन होगा वो होगा पर मिनट 30 to 33 रिवोल्यूशन। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 500 फॉर ग्रेडिंग ABCD एंड 1000 फॉर ग्रेडिंग EFG। अब ABCD यानी कि हम 5 किलोग्राम का जो सैंपल ले तो उसमें 500 रिवोल्यूशन हमको कंप्लीट करना है और जो 10 किलोग्राम सैंपल लेते तो उसमें 1000 रिवोल्यूशन करना है। द मशीन शुड बी बैलेंस एंड ड्रिवन सच देयर इज यूनिफॉर्म पेरिफेरिकल स्पीड। अब हम जो मशीन हमने जो यूज़ कर रहे हैं, मशीन जो वो मशीन है उसको प्रॉपर बैलेंसिंग में रहना चाहिए और बैलेंसिंग में रहने से क्या होगा तो कि उसकी जो रोटेटिंग है वो पेरिफेरिकल स्पीड है वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। द मशीन इज स्टॉप आफ्टर द डिजायर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड मटेरियल इज डिस्चार्ज टू ए ट्रे। अब जब प्रॉपरली अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ख़त्म होने के बाद हमको क्या करना है तो कि मशीन को स्टॉप करना है और उसके बाद में जो मटेरियल है उसको हमको उसको हमें ट्रे में कलेक्ट करना है। देन एंटायर स्टोन डस्ट इज सीव ऑन 1.70 mm सीव। तो बाद में जो भी स्टोन है, स्टोन की डस्ट है वो हमको 170 mm सीव में रखनी है। मटेरियल कोर्सर देन 1.7 mm साइज इज वेट करेक्ट टू 1 ग्राम। बाद में 1.7 mm साइज से बड़ी जो भी कोर्सर मटेरियल है उसका प्रॉपर हमको वेट लेना है ग्राम में। अब ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट सबसे पहले हमने जो लिया था वो W1 उसको देना है। अब वेट ऑफ एग्रीगेट सैंपल रिटेन यानी कि 1.7 में कितनी रिटेन हुई है उसको W2 रखना है। अब वेट पासिंग 1.7 mm यानी कि टोटल हमने सैंपल लिया था वो और W2 यानी कि जो रिटेन हुआ है उसका उसमें निकालना है तो हमको मिलेगी कि 1.7 mm साइज़ में से कितनी पासिंग हुई है, डस्ट कितनी पास हुई है। तो एब्रेशन वैल्यू कैसे मिलेगी यानी कि W1 - W2 डिवाइड बाई W1 यानी कि टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट इंटू 100। सो आपको रिजल्ट मिलेगा लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। अब पेमेंट में आप कौन से एग्रीगेट का यूज़ करते हो यो यहाँ पे दिया गया है। लॉस एंजलस टेस्ट इज कॉमनली यूज टू इवेल्यूट द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट एंड द टेस्ट इज मोर एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज द रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड इम्पैक्ट इज डिटरमाइन सिमुलेटेनसली। सो अब ये पेमेंट हम देखेंगे, वाटर बाउंड मैकेडम है उसमें जो कोई सब बेज कोर्स है तो एब्रेशन वैल्यू मैक्सिमम 60% परमिसिबल है। वाटर बाउंड मैकेडम कोर्स है तो उसमें बिट्यूमिन सरफेसिंग हम कर रहे हैं तो उसमें 50 मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू है। बिट्यूमिनस बाउंड मैकेडम है तो उसमें भी 50% मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन। वाटर बाउंड सरफेसिंग कोर्स हो तो 40। बिट्यूमिनस कोई पेनिट्रेशन मैकेडम बना रहे हो तो उसमें 40% मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन। बिट्यूमिनस पेनिट्रेशन मैकेडम बना रहे हो उसमें 40। देन बिट्यूमिनस सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हो और कोई सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस कोर्स आप बना रहे हो तो उसमें 35% मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू है। और कोई बिट्यूमिनस कॉन्क्रीट सरफेस कोर्स है तो उसमें 30% मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन। सो नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव सी वन वीडियो रिगार्डिंग लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। लेट्स सी।
Hello viewers, and welcome to this series on laboratory measurement in highway engineering. Aggregates used in the surface layer of the road pavements are subjected to wear due to vehicles moving over it. The friction between the moving tire and the road surface results in abrasion of aggregates. This effect is further enhanced due to presence of dust particles on road surface. Therefore, the aggregate should bear enough resistance against abrasion. This property is evaluated by abrasion value test. Various types of test can be used for determining abrasion value. These are Los Angeles abrasion value test, Devil abrasion test, and Dory abrasion test. In this program, we shall determine Los Angeles abrasion value of aggregates. The apparatus required for this test, as per IS 2386 part 4, is Los Angeles abrasion machine. It has a hollow steel cylinder having an internal diameter of 70 centimeters and length 50 centimeters. The machine can rotate about the horizontal axis. A removable cover is provided, which, when clamped, is dust proof. A steel shelf projecting radially is provided for the full length. The shelf is placed at a distance of minimum 125 centimeters from the opening in the direction of rotation. In addition, we need abrasive charge that comprise of steel balls of diameters 48 millimeters and weighing between 390 to 445 grams. 12 such balls should be available for the test. Their number is dependent on the type of grading used. We require a weighing machine, preferably an electronic balance of capacity 5 to 10 kg and accuracy 1 gram or better. An IS sieve of size 1.7 millimeters. The other sieve sizes depend on the grading selected. The aggregate used for the test comprise of a grading as specified in this table. The selection of grading is dependent on its designated use. For example, for WBM, we shall select grading E, for use in SDBC, grading B, C or D are selected. We shall be conducting the test using grading B. Therefore, we shall require IS sieves of size 20 millimeters, 12.5 millimeters and 10 millimeters. A total of 2.5 kg of material passing 20 mm sieve and retained on 12.5 mm sieve is taken, and also 2.5 kg of material passing 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve
is taken. First of all, dry the material in an oven maintained at 105 to 110 degrees centigrade for 4 hours. Take the material out and allow it to cool to room temperature. Now measure the exact quantity of the material as per the grading specified and note down the exact weight of sample. Corresponding to the selected grading, take the abrasive charge. For grading B, we need 11 balls. Now we shall test this material. Before starting, ensure that the cylinder is clean from inside. Now place the aggregate sample along with the abrasive charge in the cylinder. Fix the cover firmly in position. Check that the counter is reading 0. Now switch on the machine. Allow the machine to run at a speed of 30 to 33 revolutions per minute. Give 500 revolutions for grading A, B, C or D, and 1000 revolutions for grading E, F or G. Since we are using grading B, we will subject the sample to 500 revolutions. During the movement, the aggregate are subject to abrasion by the steel balls. They also rub against each other, which is known as attrition. The aggregates and the steel balls retained by the shell fall when they reach top, thereby resulting in the impact.
Thus, both the abrasion and impact occur during this test. Therefore, this test simulates field conditions better as compared to any other such test. After the test is complete, open the steel cover. Remove the crushed material from within the cylinder. Sieve this material through 1.7 millimeter sieve. Weigh the fraction passing through sieve to an accuracy of 1 gram. As a counter check, also weigh fraction retained on sieve. Determine the Los Angeles abrasion value as weight of fraction passing 1.7 millimeter sieve as a percentage of total material taken, which in this case is found to be 25.8%. Repeat the test and report the mean of two samples as Los Angeles abrasion value. Indian Road Congress has specified
limits of Los Angeles aberration value for different types of road construction. The sample tested here has Los Angeles aberration value of 26.6%, which is found to be well within the limits. Therefore, we can conclude that this sample is suitable for construction in SDBC. In this program, we have seen as how Los Angeles aberration value is determined. Due to its measurement of both resistance in abrasion and impact, this test remains to be most popular. We can conduct other tests on aggregates and found their suitability for use in road construction. Thank you and goodbye. So now these are the list of references, concrete technology by M.S. Sethi, M.L. Gambhir and Atul Prakashan. ये कोई भी reference book आप purchase कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.